भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में कई आपत्तिजनक पोस्टर लगाए हैं। कुछ पोस्टर्स में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की फोटो तक का उपयोग किया है। 6 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक आपत्तिजनक होर्डिंग्स पे पोस्टर्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में कई आपत्तिजनक पोस्टर लगाए हैं। यहाँ तक कि कुछ पोस्टर्स में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की फोटो तक का उपयोग किया है। हमने, हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले इन आपत्तिजनक होर्डिंग्स की शिकायत करी थी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलकर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि 6 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक होर्डिंग्स पे पोस्टर्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि आज के दिन जो चुनाव हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नंबर वन, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ऑपोजिशन पार्टी, एक प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिसेस भेज रहा है। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान 4 दिन तक आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सिक्योरिटी के नाम से वहां पर बैरिकेड से बंद कर दिया जाता है। तो आज ये पूरे देश की चिंता है कि क्या इस लोकसभा चुनाव में हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि 6 दिन में अगर कुछ पोस्टर और कुछ होर्डिंग पर एक्शन नहीं होता तो बड़ी समस्याओं का क्या समाधान होगा। सीईओ दिल्ली से मिले हैं पंकज गुप्ता जी, जो हमारी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, हमारी लीगल टीम के सदस्य और मैं, और हमें आश्वस्त किया गया है कि एक्शन होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टाइम मांगेंगे। ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजकल टाइम भी नहीं देता है विपक्षी पार्टियों को। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत दुखद कारणों के लिए, बहुत गलत कारणों के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव बन रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी याद कराना चाहूंगी कि इस देश के संविधान ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने, बचाए रखने की जिम्मेदारी दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी एक राजनीतिक दल का, केंद्रीय सरकार का एक हथियार बनके नहीं रह जाएगा।